नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी पेंशन भोगियों और फैमिली पेंशनर्स के लिए पेंशन विभाग ने जारी किया लेटेस्ट सर्कुलर। महत्वपूर्ण अपडेट जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो पूरी और सही जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट करें हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से ये लेटेस्ट ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है 18 जुलाई 2019 को। जी हाँ दोस्तों, लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के बारे में पेंशन विभाग की तरफ से कुछ बदलाव किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे जितने भी ओल्ड एज पेंशन भोगी हैं, यानी कि जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है, उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। वो अब अपना जीवित प्रमाण पत्र अक्टूबर महीने से जमा करवा सकते हैं। दोस्तों, जीवित प्रमाण पत्र जमा कराते समय नवंबर महीने में काफ़ी ज़्यादा बैंकों में भीड़ रहती है। इसको देखते हुए पेंशन विभाग की तरफ से हमारे जितने भी ओल्ड एज पेंशन भोगी हैं, यानी कि 80 साल के ऊपर के जो भी पेंशन भोगी हैं, वो अपना जीवित प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर 2019 से जमा करवा सकते हैं, जिससे आगे चलकर उनको नवंबर या दिसंबर महीने में किसी भी प्रकार की समस्या का या असुविधा का सामना ना करना पड़े। और बाकी जो भी पेंशन भोगी हैं, 80 साल से कम उम्र के पेंशन भोगी, वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवित प्रमाण पत्र नवंबर महीने से जमा करवा पाएंगे। उनका वो रेगुलर रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। और जो भी 80 साल के ऊपर के पेंशन भोगी हैं, पेंशनर्स हो या फैमिली पेंशनर्स हो, वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर 2019 से जमा करवा सकते हैं। तो आप सभी से व्यक्तिगत निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे जो भी पेंशन भोगी हैं उनको इसकी जानकारी मिल सके और वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट टाइम पे जमा करवा पाएँ, ताकि आगे चलकर उनको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी ज़रूर आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।